फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये छप्पर फाड़ के मार्क देने वाला है क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको याद करना काफी इजी है। तो पहला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप सॉल्यूशन को देखो ही मत, मैं जितना करा रहा हूं आप उतना कर लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y x माइनस x1। तो x1 दे रखा है, y1 ढूंढ लेंगे और डेरिवेटिव लेना है इस इक्वेशन का। बड़ा ही सिंपल सवाल था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इन्हें आप 10 बार लिख लें, लर्न कर लें, कैसे भी कर लें, या फिर 8-10 क्वेश्चन भी करोगे तो हो जाएगा। अब टेंजेंट के इक्वेशन में y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव x माइनस x1, इसमें क्या आता है, डेरिवेटिव में dx ऊपर dy नीचे और बाहर माइनस साइन। इसको आप लर्न कर लो, सॉल्विंग कोई बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कि ये है, यू हैव फॉर द कर्व दिस 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 x1 y1 के लिए, वेर x1 इज 2, तो y1 क्या है ढूंढना पड़ेगा ना। तो चलो पहले अपने पास देखो x1 मिल गया है, अपने को डेरिवेटिव ढूंढने का है और y1 ढूंढने का है। तो x1 की वैल्यू यहां पे रख दो तो कितना हो जाएगा, 16 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 y स्क्वायर इज इक्वल टू 145। आगे क्या हो रहा है, 16 16 32 64 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 145। 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4 गया 1 बचा 6 गया 81। तो y की वैल्यू आ गई यहां पे 9 9 81, y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, y आएगा प्लस 3 और माइनस 3। y 0 से बड़ा है मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y भी मिल गया, x भी मिल गया, अब सिर्फ लेना है इस आइटम का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लेने के पहले क्या करेंगे हम, देखिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहां पे स्पेस नहीं, चलो आगे पेज पे चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 में मैंने y ढूंढा है, ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 में मैंने y ढूंढा है, स्टेप नंबर 2 में डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये ऐसा हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है बट वो x था क्या, वो x नहीं था, 32x उधर भेज दिया, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा dy/dx आ चुका है। अब ये x और y तो पता है ना अपने को, x और y क्या है, x है 2 y है 3 मैंने रख दिया, तो dy/dx When x is 2 and y is 3 इतना आ जाएगा। कभी भी एक बात ख्याल में रख लो, डेरिवेटिव आप जो भी लोगे ना यहाँ पे वो एट x1 y1 होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा, जो एक वैल्यू मिलेगी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ना कि कोई इक्वेशन। तो बस ये dy/dx है, ठीक है, हमने फॉर्मूला में लग दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव x माइनस x1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव जो हमको मिला है, डेरिवेटिव क्या मिला है, देखिए dy/dx अपने को मिला है माइनस 32/27, तो इसका उल्टा होना चाहिए, dx/dy होना चाहिए जो कि कितना है 27 और माइनस 32, और इसको माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, फिर हमको क्या करना है, एक बार फिर से बता देता हूं, dy/dx का उल्टा और उसको माइनस साइन लगानी है, तो माइनस dy/dx मतलब माइनस साइन लगेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, dx की वैल्यू ऊपर और dy की वैल्यू नीचे, तो 27/32 पॉजिटिव। हमने क्या किया, nr की वैल्यू dr में, dr की वैल्यू nr में, और साइन बदल डाली। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना गांव का बच्चा बच्चा जानता है। तो आपने देखा ये सवाल आपकी झोली में 3 से 4 मार्क हर बार देके जाएगा, कभी कभी 6 मार्क के लिए भी आ सकता है।